ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आनंद की खोज सेमिनार का दूसरे दिवस पे आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ये 3 दिन का सेमिनार है, कल आखिरी दिन होगा। तो पहले दिन पे हमने चर्चा किया था कि जो जीव है, हम सब आत्माएं हैं, वो सच्चित आनंद है। इसलिए हमें आनंद चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं है। मगर समस्या ये है कि हम गलत तरीके से आनंद लेने का, अनुभव करने का कोशिश कर रहे हैं। पहला तो जो हमें सुख मिल रहा है वो काल्पनिक है, क्योंकि इंद्रिय विषय वस्तु में, गुलाब जामुन में सुख नहीं है। वो सिर्फ इच्छा पूर्ति होता है तो सुख का अनुभव होता है। और दूसरी बात है कि जो सुख हम हासिल कर रहे हैं उसे कर्म बंधन लगता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। और कल हमने ये भी चर्चा किया था कि असली आनंद तभी मिलता है जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि कृष्ण इज इक्वल टू आनंद। कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है, और हम उनके अंश हैं। और कलयुग में कृष्ण के संपर्क में आने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस्कॉन में स्लोगन है, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण मंत्र, वहाँ मंत्र का जप करो और खुश रहो। तो ये इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन है क्या, एक इंस्ट्रक्शन है? जब एंड होता है और, मतलब दो हो जाता है, मैं और आप मतलब दो लोग, रोटी और सब्जी मतलब दो वस्तु, मैं जा रहा हूँ दिल्ली और वृंदावन मतलब दो जगह पे जा रहा हूँ, और मतलब दो हो जाता है। तो जप करो और खुश रहो, दो है नहीं, एक ही है। ये और इन दो उपदेश नहीं है कि जप करो, एक दूसरा उपदेश खुश रहो, ये दो उपदेश नहीं है, ये एक ही है। जब करो अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे अगर किसी ने कहा प्रसाद खाओ और भूख चले जाएगी, तो ये दो नहीं है कि प्रसाद खाओ और बाद में भूख को भगाओ, नहीं, प्रसाद खाओ भूख अपने आप चले जाएगी।
उसी तरह जप करो और खुश रहो, चैंट एंड बी हैप्पी. क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं हरि नाम के द्वारा, हम आनंद के संपर्क में आ रहे हैं क्योंकि कृष्ण ही आनंद है. इसलिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जप कैसे करना है, ये हरि नाम क्या है. तो शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, एक नाम उच्चारण करने से करोड़ों करोड़ों पाप से मुक्ति हो जाता है. एक नाम उच्चारण करने से इतने पाप से मुक्ति हो जाता है जितने हम कर भी नहीं सकते. बरोबर सुना ये बात? हाथ ऊपर कीजिए, कितने भक्तों ने सुना ये बात? ओके, लगभग सबने सुना है. तो एक नाम से करोड़ों पाप धुल जाते हैं. हाथ ऊपर कीजिए, कितने भक्तों को विश्वास है इस पे? वेरी नाइस, लगभग सब लोगों को विश्वास है. हाथ ऊपर कीजिए, कितने भक्तों को अनुभव हुआ ऐसा कि एक नाम से पाप छूट गए? एक, दो, वेरी नाइस, तीन. तो हम सब लोग एक नाम तो जप किए हैं, ज्यादा ही किए हैं. वो अनुभव नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? कि जो नाम है, नाम प्रभु एक व्यक्ति है. नाम सिर्फ शब्द नहीं है, जैसे डिक्शनरी में इतने सारे शब्द होते हैं या भाषा में इतने सारे शब्द होते हैं. नाम प्रभु, नाम एक व्यक्ति है. और नाम का उच्चारण करने से नाम जो कृष्ण है वो हमको सहायता करते हैं हमारे व्यवहार के हिसाब से. ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम कैसे जप करते हैं, किस भाव में जप करते हैं, किस समर्पण के भाव में जप करते हैं, उस हिसाब से नाम हमें रेसिप्रोकेशन करते हैं, हमें फायदा देते हैं. हमारा जो जप का जीवन का और जप का जप के समय भाव होना चाहिए वो डिपेंडेंस का भाव होना चाहिए, निर्भरता का भाव होना चाहिए. हम कृष्ण पे निर्भर हैं, हम भगवान कृष्ण पे निर्भर हैं, ऐसा भाव होना चाहिए. तो जाकर उस नाम का हमें तुरंत फल प्राप्त होगा. अगर हम नाम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन अंदर ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे बैंक में तो इतना पैसा है ही, और मेरा परिवार भी है मदद कर लेगा, और कुछ ज़्यादा हो गया तो लोकल पुलिस को भी मैं जानता हूँ, और इतने सारे संपर्क हैं मेरे, नेटवर्क है मेरा, वो भी दोस्त वगैरह मदद कर लेंगे, और भी कुछ जटिल समस्या हो गया तो मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं हल कर लूँगा उसको, आज तक मेरा बुद्धि मेरा टैलेंट. मतलब जप कर रहे हैं कृष्ण का नाम लेकिन निर्भर है धन के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, खुद के बुद्धि के ऊपर, खुद के कला के ऊपर, डिग्री के ऊपर, परिवार के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर निर्भर इतने अलग अलग हैं. और जब नाम का जप कर रहे हैं तो नाम कैसे हमारे साथ पूरा 100% कृपा देगा? जैसे अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, घर नहीं है, कोई प्रसाद देने वाला नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊँगा, पूरा आप पे निर्भर है, तो आप क्या करेंगे? उसको दे देंगे. और दूसरी तरफ कोई आदमी आता है, हाथ में 56 प्लेट है उसके पास, जेब में बहुत पैसा है, मर्सिडीज कार से उतरता है और आपको बोलता है मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है और 5-star रेस्टोरेंट है और मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है और ये 56 मेरे हाथ में है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए ना, मैं भूखा हूँ, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? दे करेंगे मत? बोलेंगे अरे खाना जो हाथ में है मेरे से क्यों मांग रहा है,
जा अपने रेस्टोरेंट में खा या बीवी को बोल, निर्भर नहीं है ना आप पे। तो निर्भरता बहुत जरूरी है, भले ही नाम हर व्यक्ति कृष्ण का नाम बोल रहा है लेकिन निर्भरता के हिसाब से नाम का फल मिलता है। दूसरा उदाहरण के लिए मान लो तरुण, तरुण राइट, तरुण, सो हेल्प मी हियर, हाँ, जो से दो बार चिल्लाओ बचाओ बचाओ, हाँ देखिए तरुण प्रभु ने अभी बचाओ बचाओ चिल्लाया, कोई भी उठ के बचाया नहीं, ये क्या बात है? आप लोग तरुण प्रभु को प्रेम नहीं करते क्या? कोई भी उठ के बचाया नहीं। मान लो आप सब लोग यमुना के किनारे बैठे हो और तरुण प्रभु पानी में डूब रहे हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, आप उठेंगे बचाने के लिए? सुनाई नहीं दिया? हाँ देखो आपको प्रेम करते हैं, डोंट वरी। तो अभी क्यों नहीं उठे? क्योंकि अभी आपके ऊपर निर्भर नहीं है वो। जब यमुना में डूब रहे हैं तो आप पे निर्भर है, अभी आराम से बैठे हैं, अभी क्या निर्भर है आप पे? तो बचाओ बचाओ शब्द वही है अभी भी और यमुना में भी, शब्द में फर्क नहीं है लेकिन अभी निर्भर नहीं है, इसके लिए आप उठकर कुछ किए नहीं। उधर निर्भर है इसके लिए आप तुरंत उठकर भागे कि तरुण को बचाओ, हमारा इकलौता तरुण है, राइट? उसी तरह जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन कुछ निर्भरता नहीं है, मन में सोच रहे हैं चलो जप करो नहीं करो, मेरे पास धन है, दोस्त है, परिवार है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, तो भगवान दौड़ के क्यों आएंगे? लेकिन अगर हम निर्भर हैं भगवान पे, मन में ये भाव है कि ये जप के अलावा और कोई तरीका नहीं है मेरे समस्या के हल का, तो भगवान दौड़ के आएंगे। तो ये निर्भरता होना चाहिए, डिपेंडेंस। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब क्या? भक्ति में आगे मतलब भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ना, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस, भाव बढ़ना कि मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूँ। जितना ज़्यादा निर्भर उतना मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले जन्माष्टमी से इस जन्माष्टमी तक मेरा डिपेंडेंस बढ़ा क्या नहीं, मेरा निर्भरता बढ़ा क्या नहीं, तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, एडवांस हो रहा हूँ, एडवांसमेंट, प्रगति हो रहा है। सिर्फ उम्र में आगे नहीं बढ़ना है हमें, सिर्फ सीनियर डिवोटी नहीं बनना है हमें, एडवांस डिवोटी बनना है। सीनियर बनना बहुत आसान है, बस जिंदा रहो हो जाएंगे सीनियर, बस सांस लेते रहो कुछ सालों बाद सीनियर डिवोटी हो जाएंगे, भक्ति करते रहो जो भी। सीनियर बनना आसान है, उसके लिए मेहनत नहीं लगता है, काल के प्रभाव से हर व्यक्ति सीनियर बन जाता है, हर एक का शरीर बूढ़ा हो जाता है, सीनियर सिटीजन बन जाता है, कुछ साल इस्कॉन में रहो तो सीनियर भक्त बन जाओगे। सीनियर बनने के लिए क्या मेहनत है? बस जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए मेहनत है क्या? एडवांस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ चेतना का विकसित करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये निर्भरता का भाव आना चाहिए, तो जब जो करते हैं उसका तुरंत फल प्राप्त। और ये हरिनाम हमें बिना अपराध के करना चाहिए, और ये बिना अपराध के होगा जब हम जप को मूल्य वैल्यू देंगे कि जप महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आप इधर से दिल्ली ट्रेन में जा रहे हो, कितना, 3-4 घंटा लगेगा, और आपको कोई बॉक्स दे 10 किलो का बॉक्स, बोला इसको दिल्ली लेके जाओ, तो आप क्या करोगे? ट्रेन में बैठोगे, बॉक्स को सीट के नीचे डाल दोगे और आराम से मोबाइल पे बैठे रहोगे, राइट? ऐसे ही करते हैं लोग। फिर आधे घंटे बाद मैं फ़ोन करूं, अरे मैं बोलना भूल गया, वो बॉक्स में 10 किलो सोना है, गोल्ड,
आपके लिए गिफ्ट, अभी क्या करोगे, बैठे रहोगे मोबाइल पे? नहीं, तुरंत बॉक्स निकाल के गोदी में रखोगे और सोचोगे अरे पहले मालूम होता तो कार ले लेता था, मैं ट्रेन में क्यों आया, रिस्क है। आपका भाव तुरंत क्यों बदल गया? क्योंकि मूल्य मालूम पड़ गया। मुझे फोन करके आपको बताना पड़ा कि उसको गोदी में रखना, चोर से सावधान रखना, 10 अपराध बताना पड़ा सोने के तरफ नहीं, अपने आप सब बुद्धि खुल गया कि ये बॉक्स का देखभाल कैसे करना है, गोदी में रखना है, 3 घंटा बाथरूम नहीं जाना है, सब कुछ अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि इसको मूल्य समझ गए हम। उसी तरह हरि नाम का मूल्य अगर हम समझ गए तो अपने आप अपराध बंद हो जाएगा। अपने आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे, अपने आप जप के बीच में बात नहीं करेंगे, अपने आप आज का जप कल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, अपने आप सुबह जप करेंगे, अपने आप हो जाएगा। जब जप का मूल्य मालूम पड़ेगा, क्या मूल्य है जप का? अनमोल है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान कृष्ण और कृष्ण का नाम, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ये असली बात है। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो जीभ पे कृष्ण होते हैं नाम के रूप में और अपना चमत्कार दिखाते हैं। एक बार एक मलेच्छ व्यक्ति था, मलेच्छ व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो मांस खाता है, और वो जा रहा था अपने गांव से दूसरे गांव अपने मित्र से मुलाकात करने के लिए। बीच में जंगल था, तो वो जब जंगल में चल रहा था कि एक जंगली सुअर ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और अपने सिंह से उसको मार दिया, जख्मी हो गया और वो मर गया। बहुत दर्द में मरा वो, और बहुत क्रोधित था उस सुअर के ऊपर कि मैं कुछ किया नहीं, मुझे आक्रमण कर दिया। तो मरते मरते उस सुअर को उसने गाली दिया। क्या कहा? हराम। उर्दू में 2 शब्द हैं उर्दू भाषा में, हराम और हलाल। हराम मतलब गाली, हलाल मतलब अच्छा शब्द है, पुण्य। तो उसने उसको हराम कहा, मांस खाने वाला मलेच्छ, और वो मुक्त हो गया, वैकुंठ धाम चला गया। कैसे? क्योंकि मरने के समय उसने राम कहा, कहा हराम। भगवान राम को नहीं बुलाया, गाली दिया उस सुअर को, लेकिन उसके अंदर राम मौजूद है, उसको मुक्ति प्राप्त हो गया। इतना कृपा है भगवान के नाम में। अजामिल ने जब हरे नारायण का नाम लिया तो उसका मृत्यु टल गया, और वो गया हरिद्वार, वहाँ पर वापस भगवान का नाम लेकर सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको, वापस वैकुंठ चला गया वो। तो इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम के उच्चारण को सिखाने के लिए हरिदास ठाकुर को उदाहरण प्रस्तुत किए। श्रील हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी वो रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। कितना? 64 माला प्लस 64 माला प्लस 64 माला, 192 राउंड्स, 3 लाख नाम रोज जप करते थे। 21-22 घंटा लगता है इसको, पूरा दिन जप करते थे। इसलिए उनका नाम रखा गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य, नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर। आचार्य मतलब प्रोफेसर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इधर कोई कॉलेज है, मशहूर कॉलेज कौन सा है इधर वृंदावन में? हाँ, GLA। कितने बच्चे हैं उधर? 5-10 हजार बच्चे हैं।
अच्छा, और कितने प्रोफेसर हैं? 1200-1300। तो बात ऐसा है ना कि वो जो 1200-1300 लोग सिखाते हैं उधर, वो प्रोफेसर नहीं है, वो लेक्चरर है। जब कॉलेज में कोई व्यक्ति सिखाता है उसका ओहदा होता है लेक्चरर, लेक्चरर। 10-12 साल के पढ़ाने के अनुभव के बाद अगर वो कोई रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, कुछ पीएचडी टाइप काम करता है, तो उसका ओहदा हो जाता है रीडर। 5-7 साल के और अनुभव के बाद अगर कोई और एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करता है वो, तो उसका ओहदा हो जाता है एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद अगर वो जिंदा रहा तो उसका ओहदा हो जाता है प्रोफेसर। लेकिन हम सबको प्रोफेसर बोल देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रोफेसर का मतलब क्या? जो बहुत ही ऊंचा हो गया है पढ़ाई में, पढ़ाने में और विषय में, सब्जेक्ट में, और रिसर्च किया है उस विषय में, उसको कहते हैं प्रोफेसर। तो जीएलए के 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 1200 फैकल्टी हैं, उसमें से 4 या 5 प्रोफेसर होंगे, 20 या 25 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, 50 रीडर होंगे और 1100 लेक्चरर होंगे। तो हरिदास ठाकुर क्या है? प्रोफेसर ऑफ द होली नेम, नाम आचार्य। ये मैं इसलिए बताया कि हमको क्लियर हो जाए क्या मतलब है नाम आचार्य का, क्योंकि 192 राउंड्स रोज करते थे। तो एक दिन चैंटिंग करते करते चलते चलते वो आए चंदनपुर, जहाँ पर गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार रहते थे। उन्हीं का बेटा है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी से एक हैं। तो चंदनपुर में गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार के जो प्रीस्ट थे, फैमिली प्रीस्ट थे, वो थे बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य। और बलराम आचार्य जो थे वो हरिदास ठाकुर को बहुत पसंद करते थे, और हरिदास ठाकुर भी उनके ऊपर बहुत कृपा करते थे। वो उनका संग चाहते थे क्योंकि हरिदास ठाकुर शुद्ध ब्रह्मचारी थे, नाम आचार्य थे, शुद्ध वैष्णव हैं, और शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। सबसे बड़ा धन दुनिया में है एक साधु का संग, बाकी सब धन कुछ मतलब नहीं है उसके सामने। तो बलराम आचार्य बहुत प्रसन्न हो गए कि हरिदास ठाकुर हमारे गांव में आए हैं। उन्होंने तुरंत एक छोटा कुटिया बनाया नदी के सामने और निवेदन किया हरिदास ठाकुर को, आप इस कुटिया में रहिए, इधर आप रोज जप कीजिए, नदी सामने है, जब चाहिए नहाइए और मेरे घर पे प्रसाद लीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोला ठीक है। तो रोज 300,000 नाम उस कुटिया में जप करते थे, नदी में नहाते थे और एक बार जाकर बलराम आचार्य के घर पे प्रसाद लेते थे। और धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि हरिदास ठाकुर आए हैं गांव में, आकर लोग उनका दर्शन करते थे, उनका संग करते थे, उनके साथ जप करते थे। तो गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, इंद्र जैसे अमीर थे। और उनका इकलौता बेटा था रघुनाथ, गोवर्धन मजूमदार का इकलौता बेटा था, दोनों भाई है गोवर्धन और हिरण्य। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही बहुत ही अमीर घराने में पले बड़े, तो वो भी गए हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। और देखा इतना छोटा कुटिया और उस पर कोई सामान नहीं, पलंग नहीं, कबर्ड नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं, और ये आराम से जप कर रहे हैं। इनको बहुत आनंद आकर्षक हुआ कि मुझे भी ऐसे जीवन जीना है। हरिदास ठाकुर से प्रेरणा प्राप्त किया बचपन में और बड़े होकर वो ऐसे ही जीवन जिए। वो तो कुटिया भी नहीं बनाए वृंदावन में, ऐसे ही बैठकर जप करते थे,
राधा कुंड में, अभी भी उनका समाधि है राधा कुंड में, 24 घंटा कीर्तन होता है, वेरी पावरफुल प्लेस, बहुत बढ़िया जगह है। तो ऐसे रघुनाथ उनकी तरफ आकर्षित हो गए और हरिदास ठाकुर के कृपा से उनको भविष्य में चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुआ। तो एक दिन गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार ने अपने घर में सत्संग रखा, हाउस प्रोग्राम। तो उन्होंने बलराम आचार्य को कहा कि आप हरिदास ठाकुर को बुलाइए सत्संग में, वो आएंगे तो सबको संग मिलेगा, वो हमारे गांव में है, कोई प्रोग्राम होना चाहिए उनका। तो बलराम आचार्य बहुत ही विनम्रता से हरिदास ठाकुर को हाथ जोड़कर निवेदन किए कि गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार अपने घर में आपको इनवाइट करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप आइए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है चलते हैं, और सही समय पर हरिदास ठाकुर आए घर पे। वहां पर ऑलरेडी गोवर्धन हिरण्य मजुमदार थे, उनका परिवार था, उनके रिश्तेदार थे, बाकी ब्राह्मण थे, पंडित थे और वैष्णव थे, और गांव के बाकी नागरिक थे, और बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे। गोवर्धन मजुमदार के स्टाफ एम्प्लॉयज थे, बलराम आचार्य सब लोग थे, उधर बड़े बहुत लोग थे। हरिदास ठाकुर आए तो सब लोगों ने उनको प्रणाम किया और उनको आसन पे बिठाया, और सब लोग हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे, गुनगाने लगे कि ये 3 लाख नाम रोज जप करते हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, बहुत कृपालु हैं, पूरा जगह पे भ्रमण करते हुए प्रचार करते हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत प्रेरणादक हैं, दायक हैं। सब लोग उनका गुणगान करने लगे, और जैसे जैसे हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे थे वो हरिनाम का गुणगान करने लगे कि हरे कृष्ण महामंत्र सब पापों से मुक्त कर देता है, हरे कृष्ण महामंत्र सब कर्म फल से मुक्त कर देता है, हरे कृष्ण महामंत्र जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता है, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली है। ऐसे वो हरिनाम का भी गुणगान करने लगे, पहले हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे, फिर हरिनाम का गुणगान करने लगे। तो जब लोग कह रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दे देता है, और हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम पापों से छुटकारा दे देता है, तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला स्टॉप, रोको, रोक दिया उनको, और कहा कि ये हरिनाम का असली फायदा नहीं है, पाप से मुक्ति होना और जन्म मृत्यु से छुटकारा होना ये तो सेकेंडरी बेनिफिट है, असली फायदा नहीं है, ये तो बोनस है, साइड इफेक्ट है। हरिनाम का असली फायदा क्या है? हरिनाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ये असली फायदा है हरिनाम का। हरिदास ठाकुर ने कहा जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है और बिना अपराध के जप करता है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है, फिर रास्ते पर चलते चलते कभी वो डांस करता है, कभी वो जंप मारता है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, और किसी की परवाह नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु को जब ईश्वरपुरी ने हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने के लिए कहा था तो चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़े ही समय में चैतन्य महाप्रभु का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, उनके आँखों से आंसू गिरने लगे, उनके बाल खड़े हो गए, उनका शरीर का कलर बदल गया, उनको पसीना आने लगा, वो कभी हंसते थे, वो कभी रोते थे, कभी डांस करते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था,
पागल हो गए वो, अचानक चलते चलते नृत्य करने लगेंगे, बैठे बैठे हंसने लगेंगे, हंसते हंसते रोने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके सामने ये सब करता है तो आप क्या बोलेंगे, पागल हो गया? तो पागल हो गए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो दौड़े दौड़े गए ईश्वरपुरी के पास, गुरुजी, गुरुदेव, ये कैसा मंत्र दे दिया आपने, मैं पागल हो गया, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी बेहोश हो जाता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी आवाज़ नहीं निकलता, आँख से आंसू बहते रहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, ये कैसा मंत्र दे दिया आपने। ईश्वरपुरी हंस पड़े, बोले शाबाश, आप पागल हो गए, यही तो इस मंत्र का सफलता है। ये मंत्र है ही पागल करने के लिए हमें, कृष्ण प्रेम में पागल। आप सफल हो गए, अभी जाकर इसका प्रचार करो। और इस तरह उन्होंने पूरे दुनिया में हरि नाम फैलाया। तो यही बार हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। हरिदास ठाकुर ने बताया कि जो जप होता है वो नाम अपराध के साथ होता है, नाम आभास के साथ होता है और शुद्ध नाम होता है। तीन स्टेजेस होता है। पहले व्यक्ति अपराध करता है, फिर वो अपराध कम करने लगता है नाम आभास, फिर वो बिना अपराध शुद्ध प्रेम शुद्ध हरिनाम करता है। जैसे सुबह जब सूर्य उगता है, उसके उगने के पहले, सूर्य उगने के पहले थोड़ा रोशनी आ जाता है और अंधेरा भाग जाता है। और जब असली में सूर्य उगता है तो हम अपना दिन का काम करते हैं। उसी तरह जब असली में शुद्ध नाम हृदय में उगता है, उसके पहले ही नाम आभास आ जाता है, थोड़ा रोशनी आ जाता है और पाप का नाश हो जाता है, अनर्थ का निवृत्ति हो जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। और असली में जब शुद्ध नाम लेते हैं तो हम अपना दिन का काम करते हैं, जो है कृष्ण का सेवा करना। तो सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए। हरिदास ठाकुर ने कुछ पंडितों को बोला, ये बात आप थोड़ा विस्तार से सबको समझाओ। तो सबने बोला, आप ही समझाइए, आपसे अच्छा कौन समझाएगा। तो हरिदास ठाकुर ने उनको समझाया कि जब सुबह सूर्य उगता है, उसके पहले को ट्वाइलाइट कहते हैं, सूरज नहीं दिखता है लेकिन रोशनी होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उस रोशनी में अंधेरा गायब हो जाता है, और अंधेरा चले जाता है तो हमारा जो अंधेरे का डर है, चोर का डर है और भूत का डर है, वो भी चला जाता है, उल्लू भी चला जाता है। और जब सूरज असली में आसमान में आ जाता है तो हम अपना दिन का रूटीन काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं। उसी तरह जब हरिनाम हृदय में उगता है, शुद्ध नाम, उसके पहले नाम आभास होता है, उसी में अनर्थ निवृत्ति चला जाता है, पाप चला जाता है, पाप का फल चला जाता है, कर्म का फल चला जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर चला जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाता है। और जब असली में हरिनाम शुद्ध हरिनाम लेते हैं हम, तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। कृष्णेर नित्य दास, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हरिदास ठाकुर ने इतना अच्छा समझाया, सब लोग खुश हो गए। हरिनाम की महिमा है। आप लोग भी खुश हो गए क्या? नहीं हो गए तो सब लोग खुश हो गए। लेकिन एक आदमी ने हाथ ऊपर उठाया, बोला मेरे जो प्रश्न है। वो एक ब्राह्मण था, बड़ा स्कॉलर था, उसका नाम गोपाल चक्रवर्ती था और गोवर्धन मजूमदार का स्टाफ था, एम्प्लॉय था। और वो साल में 12 लाख सोने के सिक्के जमा करता था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट काम करता था, बहुत प्रॉफिट देता था, 12 लाख सोने के सिक्के जमा करता था राजा के लिए। तो उसने हाथ उठाया, उसने कहा कि मुक्ति तो हजारों साल की तपस्या के बाद भी मुश्किल से मिलता है, और आप मूर्ख कह रहे हैं कि एक नाम से मिल जाएगा मुक्ति, ये संभव नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को।
जो चीज हजारों साल के तपस्या के बाद नहीं मिलता जंगल में, वो चीज एक नाम से मिल जाएगा, कौन विश्वास करेगा? तो मुझे विश्वास नहीं। हरिदास ठाकुर ने कहा इसमें अविश्वास की क्या बात है, ये बात शास्त्र में लिखा है, वो हमें मानना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की भक्ति को हम तर्क से नहीं समझ सकते, ये शास्त्र में लिखा है, ये हमें मानना चाहिए। जैसे एक लीटर पेट्रोल है तो कितने माचिस का तीली चाहिए जलाने के लिए? एक तीली। दो लीटर पेट्रोल को दो तीली, 100 लीटर पेट्रोल को 100 तीली, 1000 लीटर पेट्रोल को एक ही तीली चाहिए, भले करोड़ों लीटर पेट्रोल हो, उसी तक करोड़ों पाप हो, एक ही नाम चाहिए। ऐसा नहीं एक पाप एक नाम, दो पाप दो नाम, ऐसा कुछ नहीं, एक ही नाम से मुक्ति हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, हमें मानना चाहिए। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं इस बात को, आप इसको साबित करके बताओ कि एक नाम से मुक्ति हो जाएगा, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे सबूत चाहिए, आप साबित करके बचाओ, अगर नहीं कर पाए तो मैं आपका नाक काट दूंगा। गोपाल चक्रवर्ती ने बोल दिया। हरिदास ठाकुर ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, आपकी शर्त मैं मानता हूं, अगर एक नाम से मुक्ति नहीं हुआ तो मैं अपना नाक स्वयं काट दूंगा। सब लोग हैरान हो गए, क्या चल रहा है? सब लोग गोपाल को डांटे। बलराम आचार्य ने कहा एक वैष्णव से ऐसा बात नहीं करते, आपके साथ कुछ अशुभ नहीं होगा, आपके भविष्य में बहुत खतरा हो जाएगा। कुछ लोग तो कान बंद करके चले गए बाहर कि एक वैष्णव का निंदा अपराध नहीं सुनना चाहिए, हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, वैष्णव का अपराध करना भी नहीं चाहिए और ऐसे जगह पर रहना भी नहीं चाहिए जहां पर हो रहा है, छोड़ देना चाहिए वो जगह, कान बंद कर देना चाहिए, हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। हम जो हरिनाम करते हैं उस नाम को वैष्णव अपराध पसंद नहीं है, तो जिस नाम को वैष्णव अपराध पसंद नहीं है उस नाम की कृपा कैसे मिलेगी अगर हम अपराध करें, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसने हरिदास ठाकुर को उल्टा सीधा कह दिया। गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार गोपाल चक्रवर्ती को उसी दिन बोले सस्पेंडेड, निकाल दिया आपको नौकरी से, भले आप 12 लाख गोल्ड कॉइन लेके आते हैं हमको नहीं चाहिए आपका काम। हरिदास ठाकुर सबको शांत किए, सब लोग दंडवत प्रणाम करके हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगे। गोवर्धन मजूमदार हिरण्य मजूमदार ने कहा कि माफ़ कीजिए, हम आपको हमारे घर पे सत्संग के लिए लेके आए और इधर आपका अपराध हो गया, इसके लिए हमें माफ़ कीजिए। हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, आप लोगों की तो गलती नहीं है इसमें और इस गोपाल की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तर्क वाला आदमी है, ज्ञानी आदमी है, और जो व्यक्ति तर्क और वितर्क करता है उसको हरिनाम की महिमा नहीं समझता। हरिनाम की महिमा तो विश्वास के ऊपर समझता है, सेवा भाव से समझता है, जप करने से समझता है, कीर्तन करने से समझता है, सिर्फ बैठकर किताब पढ़ने से थोड़ी समझता। अभी हरिनाम मीठा है ये कैसे समझेगा, किताब पढ़ने से समझेगा? अभी मैं एक गुलाब जामुन लेके आऊँ और 3 घंटा लेक्चर दूँ कि गुलाब जामुन मीठा है, समझ जाएंगे? अरे 1 मिनट में खा लो ना, हो जाएगा काम ख़त्म, मालूम पड़ जाएगा मीठा है क्या नहीं। 3 घंटा बैठकर लेक्चर दूँ, PhD थीसिस लिखूँ मैं गुलाब जामुन के ऊपर, बाद में मालूम पड़ेगा मुझे मीठा है नहीं, खा लो बात ख़त्म। उसी तरह जब करो समझ जाएगा, थोड़ी उस पर तर्क करना है, सब चीज़ें तर्क से नहीं समझती, भगवान कृष्ण तर्क के ऊपर है। हमारा तर्क हमारा लॉजिक कृष्ण और कृष्ण के नाम को समझ नहीं सकता। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, गोपाल की भी गलती नहीं है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, और हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद गोपाल चक्रवर्ती गांव में था, बहुत जवान ब्राह्मण था और सुंदर था,
हैंडसम था, सबने देखा उसको, ऐसा स्किन का डिजीज हो गया, त्वचा का बीमारी हो गया कि उसका नाक पिघल के गिर गया, उसका कान पिघल के गिर गया, उसकी हाथ की उंगलियां पिघल के गिर गई, उसका पैर की उंगलियां पिघल के गिर गया, बस मरने को था। सब लोग समझ गए हरिदास ठाकुर का अपमान किया इसके लिए, ऐसे था हुआ इसके साथ। तो हरिदास ठाकुर का अपराध किया, लेकिन हरिदास ठाकुर उसको भूल गए, उन्होंने सीरियसली लिया नहीं, उसको गंभीर से लिया नहीं। एक साधु का ये लक्षण होता है, ये स्वभाव होता है कि अगर किसी ने उसका अपराध किया तो वो उसको गंभीर से नहीं लेता। और कृष्ण का ये स्वभाव होता है कि अगर उसके भक्त का अपराध किया तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोपाल चक्रवर्ती को ये सजा दिया और वो बीमार हो गया, उसका शरीर पिघलने लगा और सब लोगों को समझ में आ गया। हरिदास ठाकुर नहीं चाहते थे उसको सजा मिले, लेकिन कृष्ण ने उनको सजा दिया। हरिदास ठाकुर ने जब पता चला कि गोपाल के साथ ऐसा हुआ, उनको दुख हुआ और वो तुरंत वो गांव छोड़कर अगले गांव चले गए, उनको इच्छा नहीं हुआ उधर रहने का। तो ये हरिनाम का महिमा है कि हरे कृष्णा महामंत्र से क्या होता है, पाप की नाश होता है, जन्म मृत्यु का चक्कर से छुटकारा मिलता है। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है मतलब क्या होता है, कृष्ण प्रेम कोई बाहर से आने वाला नहीं है, बाहर मिलेगा भी नहीं। दुकान पे जाकर बोलो 2 किलो कृष्ण प्रेम चाहिए, नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम बाहर नहीं है, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर ही है, हृदय में अभी भी है, लेकिन वो ढका हुआ है। जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ये कवरिंग निकल जाता है, ये साफ सफाई होता है। जैसे आईने पे धूल लगा है तो खुद को देख नहीं सकते, तो आप थोड़ा हाथ से साफ करेंगे धूल निकल जाएगा, खुद को देख सकते हैं। उसी तरह अभी हमारे हृदय पे गंदगी लगा हुआ है, कृष्ण प्रेम के ऊपर ढक गया है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का रोज अच्छी तरीके से उच्चारण करते हैं तो साफ सफाई होता है, और साफ सफाई होता है तो कृष्ण प्रेम बाहर आ जाता है। तो कृष्ण प्रेम लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, साफ सफाई के लिए हमें काम करना है। समझ रहे हैं, कृष्ण हमारे भक्ति से हम कृष्ण प्रेम ला नहीं सकते, हमारे भक्ति से हम कृष्ण को देख नहीं सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमको साफ सफाई करना है। हमारे अभी समझो सूरज नहीं है ना बाहर, क्या करके सूरज दिखेगा, कुछ मेहनत कर सकते हैं, सूरज को कॉल कर सकते हैं, थोड़ा दिखो जरा दर्शन दो, राइट, या और अर्जी दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि सूरज देखना है मुझे, या बहुत सारा टॉर्च जला के देख सकते हैं कहाँ है सूरज, या लकड़ी लेकर बादलों को हटा सकते हैं कि सूरज कहाँ है, कुछ नहीं कर सकते, बस इंतजार करो कल सुबह का, सुबह सूरज उगेगा तो दिखेगा, नहीं उगेगा तो नहीं दिखेगा। हम सूरज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कृष्ण की एक आँख है तो कृष्ण को क्या कंट्रोल करेंगे, उसकी आंख को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कृष्ण दिखेगा, हम कुछ नहीं कर सकते कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये रोज मंगल आरती क्यों कर रहे हैं, 16 माला क्यों कर रहे हैं, एकादशी क्यों कर रहे हैं, 4 नियम क्यों कर रहे हैं, भागवत क्लास क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि जब सूरज उगे हम सोए नहीं है, हम जगे हैं। अगर सूरज उगा और मैं सोया हुआ, मेरे लिए उगा नहीं होगा। तो जब कृष्ण आए मेरे जीवन में और मैं सोया हुआ हूं तो मेरा तो मौका चला गया। तो ये साधना भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, कृष्ण के आने के लिए नहीं, इसलिए कि हम जागे रहे कि कृष्ण जब आए तो मैं आंख खुला हो मेरा, इसलिए हम ये साधना भक्ति कर रहे हैं।
ये साधना भक्ति कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए लाने के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद को जगाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये सब मत देखो कौन कौन जगा है, खुद को देखो कौन कौन जगा है, कौन कौन नहीं जगा है, कौन नहाया कौन नहीं नहाया, कौन नहा रहा है बाथरूम में, साबुन लगाया कि नहीं लगाया, ये सब नहीं, ये सब आदत नहीं होना चाहिए। खुद को जगाओ, बंद आँख से देखेंगे तो सही थोड़ी दिखेगा, बंद आँख से देखेंगे कौन कौन जगा है सही नहीं दिखेगा, पहचान नहीं पाएंगे। तो ये कृष्ण प्रेम जो है ये ऑलरेडी है हमारे हृदय में, बस साफ सफाई करना है, जो ये भक्ति से होता है। हरिनाम जब हम करते हैं तो कृष्ण खुद झाड़ू मारते हैं हमारे हृदय में, इसलिए कृष्ण पे निर्भर होना है, तब जाकर ये हरिनाम, उस भाव में जब हरिनाम करेंगे तो वैसा फल प्राप्त होगा। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, सब सुचारू ढंग से चल रहा था, तो कृष्ण बोले अभी मैं द्वारका जाता हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है उधर, और एक दो नहीं 16108 इंतजार कर रही है, जाता हूँ मैं। तो सब तैयारी करके रथ पर बैठ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती महारानी, परिवार के बाकी सदस्य सब बाहर आए रोड पर कृष्ण को बाय बाय बोलने के लिए। असली में बाय बाय नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे रुक जाओ ना, थोड़ा देर रुक जाओ, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी रुक जाओ। तो ये सब है इधर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और कृष्ण जाने को तैयार है रथ पे, कि उधर से उत्तरा माता दौड़ दौड़ के आती है। उत्तरा गर्भवती थी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु मारा गया युद्ध में, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उत्तरा गर्भवती थी और विधवा थी। दौड़ दौड़ के आई, कृष्णा कृष्णा महाबाहो, कृष्ण के पास आई कि आप महाभाव, आप सर्वशक्तिमान हैं, और कहा कि एक ब्रह्मास्त्र मेरे बच्चे को मारने के लिए आ रहा है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो उत्तरा के गर्भ में जाएगा, पेट में अंदर शिशु को मारकर बाहर आएगा, बट माँ को कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा प्रिसाइज अस्त्र था कि अंदर बच्चे को मारने के लिए उत्तरा ने, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उत्तरा भाग भाग के आई कृष्ण के पास, बोला कृष्ण कृष्ण महाबाहो, वो अस्त्र मेरे बच्चे को मारने के लिए आ रहा है, मुझे बचाओ। वो अस्त्र मुझे मारेगा चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचाओ। देखिए माँ का प्रेम है कि खुद की जान गई चलेगा, लेकिन पुत्र को बचाओ, शिशु को बचाओ। अभी उत्तरा किसके पास जाना चाहिए मदद के लिए? अर्जुन के पास जाना चाहिए, ससुर है। युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए, राजा है। भीम के पास जाना चाहिए, ससुर जैसा है। नकुल सहदेव के पास जाना चाहिए या सेनापति के पास जाना चाहिए, सिपाही के पास जाना चाहिए, बॉडीगार्ड के पास जाना चाहिए, या द्रौपदी से मदद मांगना चाहिए, या कुंती महारानी से मदद मांगना चाहिए, सुभद्रा से मदद मांगना चाहिए, सहेलियों से मदद मांगना चाहिए, माता पिता के पास जाना चाहिए? वो सामने है सब, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल खड़ा है, सहदेव खड़ा है, अर्जुन के पास गांडीव है, भीम के पास गदा है, युधिष्ठिर के पास तलवार है, भाला है, सेनापति है, सेना है, लेकिन वो गई कृष्ण के पास जिसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इसको कहते हैं निर्भरता, कि अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, फिर भी निर्भर कृष्ण के ऊपर है। वो कृष्ण के पास गई, अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आए
तो सिर्फ कृष्णा उसका हल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर कृष्ण हल नहीं करे तो और कुछ हो ही नहीं सकता उसका, किसी और के पास जाके कुछ फायदा नहीं है। इसको सरेंडर कहते हैं, समर्पण कहते हैं। तो उत्तरा कृष्ण के पास गई, कृष्ण को पुकारी, कृष्ण रथ पे बैठे थे, तुरंत उत्तरा को बचाए, उत्तरा के शिशु को बचाए। कैसे? रथ से उतरे नहीं, उत्तरा के हृदय में थे परमात्मा के रूप में, हृदय से उत्तरा के गर्भ में गए और एक गोला बनाया सुदर्शन चक्र से शिशु के आजू बाजू, ब्रह्मास्त्र अंदर आया, उस गोला से संपर्क में आया, फेल हो गया, शिशु बच गया और भगवान के रथ पे ही खड़े हैं। कुंती महारानी देखकर हैरान हो गई, पूछी आप अंदर है क्या बाहर है, आप दोनों जगह पर है, क्या हुआ, आप अंदर है क्या बाहर है, आप दोनों जगह पे, हृदय नरसिंगा बहे नरसिंगा, आप रथ पे खड़े हैं, उतरे भी नहीं और अंदर बच्चे को बचाया आपने। ये कृष्णा जो हमको बचाएंगे, हम परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। और कौन है हमारे सबसे करीब, डिस्टेंस वाइज सबसे करीब कौन है हमारे, डिस्टेंस वाइज कृष्ण, प्रेम वाइज कृष्ण, केयर वाइज कृष्ण, पालन के हिसाब से कृष्ण, फिर भी हम भाग किसी और के पास रहे हैं। आज जवान लड़के लड़की 25 साल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग का, लॉयर का, एमबीए का, क्या प्राप्त होता है, एक पेपर जिसको डिग्री कहते हैं, और वो डिग्री फाइल में डालकर हर कंपनी में जाते हैं कि मेरे मालिक बनो, मुझे नौकरी दो, मैं नौकर बनूंगा आपका, मेरे मालिक बनो, मेरे मालिक बनो, मेरे मालिक बनो। अरे बेवकूफ, आपका मालिक आपके हृदय में बैठा है ऑलरेडी, वो आपको बारिश दे रहा है, पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सब्जी दे रहा है, फल दे रहा है, ये शरीर दिया है, ये सांस जो आप ले रहे हैं उसके कारण ले रहे, फिर भी दूसरा मालिक ढूंढ रहे, वो भी थर्ड क्लास आदमी को ढूंढ रहे जिसको 2 साल बाद आप छोड़ देगा, फिर दूसरा ढूंढेगा। ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा कॉलेज है जो आपको ये भी नहीं सिखाता कि आपका असली मालिक कौन है, और आपको बोलता है 25 साल के पढ़ाई के बाद जाओ कोई मालिक ढूंढ लो, उसका नौकरी करो, उसका सेवा करो। तो हमारा असली मालिक ऑलरेडी हमारे साथ है, उसको भूल गए हम, उसके ऊपर निर्भर रहना है कि कृष्णा हमारे जीवन में जो भी करे चलेगा, मेरे भलाई के लिए करेंगे, मुझे रोना नहीं है। एक दिन अर्जुन गए कृष्ण के पास, बोला मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है। सुभद्रा कौन? कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी, तो जीजा साला है कृष्ण और अर्जुन, पहले दोस्त बाद में जीजा साला। तो जीजा जाता है साले के पास बहन के बारे में बात करना, मतलब मैटर बहुत सीरियस होगा ना, नहीं तो क्यों जाएगा। तो अर्जुन गए भगवान कृष्ण के पास कि मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है। तो अर्जुन ने कहा, महाभारत युद्ध जब हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो सुभद्रा का इकलौता जवान बेटा अभिमन्यु, जिसकी जवान बीवी और पेट में बच्चा है, वो मारा गया युद्ध में आपके सामने, लगभग आपके सामने, आप उसी स्थान पर थे युद्ध में थे। और सुभद्रा को मालूम है मेरा भाई भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। सुभद्रा को ये बात मालूम थी कि कृष्ण भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी आपने सुभद्रा के बेटे की जान नहीं बचाई, उसको मरने दिया, अपने बहन के इकलौते बेटे को मरने दिया। और कृष्ण मुझे आपको ये बात कहना है कि इसके बावजूद सुभद्रा का प्रेम आपके प्रति इतना भी कम नहीं हुआ, इसके लिए मैं सुभद्रा को प्रणाम करता हूं। इसको कहते हैं स्टेडीनेस इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में स्थिर रहना।
आज समाज में कोई साधारण भाई और बहन हो, साधारण, और बहन का बच्चा भाई के सामने मर जाए और भाई मदद नहीं करे, आपको लगता है वो भाई बहन का रिश्ता कायम रहेगा? टूट जाएगा। वो बहन जिंदगी भर बात नहीं करेगी बहन भाई से कि मेरे बच्चे को बचाया क्यों नहीं, कम से कम हॉस्पिटल तो लेके जाता। इधर बहन का बेटा मर गया और भाई कौन है? भगवान। 100% बचा सकता था कृष्ण, और कृष्ण अगर अभिमन्यु को बचाते थे फिर भी युद्ध जीत सकते थे, हारने के कोई चांस ही नहीं था। फिर भी उन्होंने नहीं बचाया, और कोई कारण भी नहीं है जो मालूम हो सुभद्रा को। फिर भी सुभद्रा का प्रेम कम नहीं हुआ। क्या सोचा सुभद्रा ने? कृष्ण ने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए किया। तो ऐसा निर्भरता होना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी कुछ नुकसान हो गया, कुछ बीमार हो गए, कुछ दुख आ गया, कुछ बुरा अनुभव हो गया, कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ, कोई तकलीफ आ गया, किसी का मृत्यु हो गया, कृष्ण ने जो भी किया अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे भलाई के लिए किया। थैंक यू कृष्ण। दर्द भी हुआ तो थैंक यू। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, दर्द होता है, और हम उसको पैसा दे के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भलाई के लिए करता है। दवाई देता है जो बिटर होता है, कड़वा होता है, फिर भी हम पैसा देते हैं उसको। उसी तरह कृष्णा एक डॉक्टर है जो हमको सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और उसमें दर्द होता है, तो वो दर्द सहन करना चाहिए कि कृष्णा हमारे शुभचिंतक हैं, कृष्णा ऑल गुड, ऑल ऑस्पिशियस, सब सर्व शुभ है, जो हमारे लिए करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। तो ऐसे भक्त जब निर्भर रहता है और जप करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भाव से तो वो जो भरी नाम है, नाम प्रभु है, वो तुरंत उसको फल देते हैं और उसको भगवान के रूप का दर्शन होता है, भगवान के गुण और लीला का अनुभव होता है। तो ये भाव होना चाहिए, हरिनाम इतना शक्तिशाली है। कोई व्यक्ति मजाक में भगवान का नाम लेता है या इनडायरेक्टली भगवान का नाम लेता है या किसी को चिढ़ा के भगवान का नाम लेता है, फिर भी उसको फल मिलता है। किसी भी तरीके से भगवान का नाम लिया फल मिलता है। कोई जैसे राम है, रा और म दो अक्षर है, रा और म, कोई इसके बीच में कोई और अक्षर डाल दे फिर भी उसको फायदा होता है। अगर आपकी बीवी आपको बोलती है कि आज घर में राजमा बनाया, रा ज मा, रा और म के बीच में ज आ गया, फिर भी उसको राम के नाम का फल मिलता है। देखिए, अगर दो अलग शब्द हो गए, बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस है, जैसे अगर मैं बोलूं मेरा मकान उस रोड पर है, तो मेरा रुका फिर मकान, मेरा रा आ गया फिर स्पेस आया फिर म मकान आ गया, फिर भी मुझे राम के नाम का फल मिलेगा। तो इतना शक्तिशाली कृष्ण का नाम है, इतना शक्तिशाली राम का नाम है, इतना महिमा है उसका कि ध्यान मतलब इनडायरेक्टली या मजाक में या एक्सीडेंट में या किसी और को चिढ़ाने में भी हमने जप किया तो हमको फायदा होता है। तो अगर सीरियसली रोज 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में किया तो क्यों नहीं फायदा होगा? जरूर होगा। हमको सुस्ती छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से, पूरे दिन का जप करने से ज़्यादा फायदा होता है। जिस दुकान से आप अपना किराना सब्जी खरीदते हैं, अगर वो दुकानदार अपने दुकान पे नोटिस लगाता है कि सुबह 5 से 7 जो भी खरीदेगा आधा कीमत, सुबह 5 से 7 जो भी खरीदेगा आधा कीमत, दोपहर में जो चीज़ 100 रुपए में एक मिलेगा 5 से 7 100 रुपए में दो मिलेगा, तो क्या करेंगे हम? सोएंगे क्या? उठ जाएंगे?
उठ जाएंगे, लाइन लगाएंगे, भाई दे दो, दिन में जो खरीदना है सुबह ही खरीद लो। वही तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि सुबह 5 से 7 ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे डबल फायदा होगा। भगवान भी वही नोटिस लगा के रखे हैं, उठ जाओ, तुम्हें सुस्ती छोड़ना चाहिए। सुबह उठकर हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला मंदिर में करना चाहिए, इससे हम भक्ति में तुरंत आगे बढ़ेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हृदय शांत साफ हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हरिनाम में रुचि आएगी। नहीं तो पूरा दिन ड्रैग होता रहेगा, करते रहेंगे, इधर उधर बात करेंगे, ध्यान नहीं करना चाहिए। पूरा दिन जप करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, 16 से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन कम से कम जो 16 है वो तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करो, मंगल आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, श्रृंगार आरती करो, गुरु पूजा करो, क्लास करो। ये पूरा पैकेज प्रभुपाद जी ने दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम का, सुबह 4 से 9 बजे तक। ये पैकेज हमें फॉलो करना चाहिए, अपना नया पैकेज नहीं बनाना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा बुद्धि है मैं अपना कुछ नया बनाता हूँ। प्रभुपाद जी नेक्स्ट 10,000 साल के लिए पैकेज दे के गए, हम कुछ नया बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसा सुबह जब हम जप करेंगे तो हमारा भक्ति में उन्नति होगा। तो यही है चैंट एंड बी हैप्पी। आनंद चाहिए तो जप करो, जप करो, भगवान का नाम लो, अपने आप आनंद प्राप्त होगा। सब शास्त्रों का सार है, सब आचार्यों का निर्देशन है। कलयुग का सबसे महान भक्ति का कार्य है जप करना। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से ये बात पूछा था कि भक्ति में सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी क्या है? और रामानंद राय ने कहा था सबसे ज़रूरी है बिना अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, ये सबसे ज़रूरी है। प्रभुपाद जी कहे 99% हमारा भक्ति में जो प्रगति होता है, उन्नति होता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर निर्भर होता है, 99%। तो हमें कितना शक्ति डालना चाहिए उस पर? 99% डालना चाहिए, 100% डालना चाहिए, 1% किस में जाएंगे? 100% शक्ति हमारी जाना चाहिए जप में। पूरा दिन वही करना चाहिए कि दूसरे दिन का जप खराब नहीं हो। रात को अच्छा फीस्ट है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए रात को फीस्ट खाएंगे तो नींद लेट होगा, तो सुबह जप में नींद आएगा, फीस्ट नहीं खाऊं मैं रात को, दूध पीऊं या खिचड़ी खाऊं या सेब खाऊं या सूप पीऊं। किसी से झगड़ा हो रहा है तुरंत ध्यान आना चाहिए, झगड़ा हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, कल का जप खराब हो जाएगा, माफ़ी मांग के बाहर निकलूँ मैं इधर से। कोई कुछ कर दिया, सहन करने से फायदा है तो सहन करना। अगर पूरा दिन जप करना है तो एक ही तरीका है, त्रिणादपि सुनी चेना तरोर ईवा शही सुना अमान इन मान देना कीर्तन या सदा हरि। ये सहन करना चाहिए, सहन करने से हम पूरा दिन भक्ति कर सकते हैं, पूरा दिन जप कर सकते हैं। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे कि कल का जप खराब हो, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ तर्क वितर हो गया, झगड़ा हो गया, मैं जीतूं अभी और कल जब खराब हो जाए तो मैं एक्चुअली हार गया, क्योंकि असली धन चला गया, तो मुझे अभी हारना है ताकि कल सुबह जीतूं मैं, मेरा जब अच्छा हो, मैं ध्यान पूर्वक सुनूं। तो ये हमें करना चाहिए। तो आनंद चाहिए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, जब करो और खुश रहो, ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल तीसरा दिन आखिरी दिन होगा, कल सुबह भागवतम क्लास होगा हिंदी में और शाम को 5 बजे ये सेमिनार हम कंटिन्यू करेंगे आनंद की खोज। धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। भाई विष्णु,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक मिनट मुझे समझाने। कोई भक्त एकांत में रहकर जप करना चाहता है, उसका मन लग रहा है, तो बहुत करोड़ों जन्मों से हम मन के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये जीवन प्रभुपाद जी के हिसाब से चलो, करोड़ों जन्म हम कैसे चले मन के हिसाब से, कहाँ पहुँचे पता चला, कुत्ता बिल्ली बने। ये जन्म प्रभुपाद जी के हिसाब से चलना चाहिए। सुबह मंगला आरती आना चाहिए, नरसिंह आरती करना चाहिए, तुलसी आरती करना चाहिए, सोलह माला जप करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, क्लास करना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए, और समय मिला तो और जप करो, कोई बात नहीं, राइट। तो ये जन्म प्रभुपाद जी के हिसाब से चलो। एक मिनट राइट। मन के हिसाब से नहीं करना। मेरे मन में ऐसा लगता है, जिस दिन फिर मन नहीं हुआ उस दिन एक भी माला नहीं करेगा, क्योंकि मन को गुरु बना दिया ना। मन को गुरु मत बनाओ। प्रभुपाद जी ने जैसे बताया, फाउंडर आचार्य, उनके हिसाब से करो, मन को गुरु मत बनाओ। तो मन में कल कुछ और आएगा तो वो करेगा। तो ये जो तर्क है ना कि मेरा मन ऐसा करता है, अरे मन को छोड़ो, रोज सुबह मन को 100 जूता मारो, शाम को मन को 100 झाड़ू मारो, मन को छोड़ो। आचार्य जिन्होंने समझाया है हमें जीवन कैसे जीना है, उनके हिसाब से। कल मन करेगा कपड़ा नहीं पहनेगा तो नंगा घूमेगा क्या? मन क्या है? मन को उपेक्षा करना चाहिए। मन हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें पद्धति बताया है वो सबको फॉलो करना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो कम खाओ, कम सो, करो ना जब रात भर, किसने मना किया? नहीं, नींद पूरा चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करना है, मंगल आरती नहीं चाहिए, क्यों? जप करना है। अगर जप में इतना इंटरेस्ट है तो रात को मत सो, करो जप। नहीं, नींद पूरा चाहिए, मंगल आरती कैंसिल करो क्योंकि जप करना है। ये कहाँ का हो गया? नहीं, कैंसिल करना है तो खाना पीना कैंसिल करो, सोना कैंसिल करो, मंगल आरती क्यों कैंसिल कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, प्रैक्टिकली पूरा दिन, पूरा समय, पूरा एनर्जी, पूरा शक्ति भगवान के सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। 24 घंटा भगवान की सेवा करना चाहिए। 24 घंटा नहीं जमता है तो 23.5 घंटा करो, 23 घंटा करो, वो नहीं जमता है तो 12 घंटा करो, वो नहीं जमता 6 घंटा करो, इसको बढ़ाओ। अभी 6 घंटा कर रहे, अगले महीने से 7 घंटा करो, 8 घंटा करो। और दिन भर में जो भी निर्णय लो कृष्ण के आज्ञा के अनुसार लो, उन्होंने गीता और भागवत में जो आदेश दिया उसके अनुसार निर्णय लो। निर्णय इस हिसाब से मत लो कि मेरा फायदा है क्या नुकसान है, निर्णय इस हिसाब से लो कि कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। तो जैसे कृष्ण ने निर्देश दिया है अगर वैसा जीवन जिएंगे, वैसे निर्णय लेंगे, इसका मतलब हम कृष्ण पर निर्भर है। मन के हिसाब से जिएंगे तो इसका मतलब मन पर निर्भर है। अखबार के हिसाब से जिएंगे तो अखबार पर निर्भर है। डॉक्टर के हिसाब से जिएंगे तो डॉक्टर पर निर्भर है, राइट। बीवी के हिसाब से जिएंगे तो बीवी पर निर्भर है। तो कृष्ण के हिसाब से जिएंगे, कृष्ण ने क्या कहा है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, उसके हिसाब से जिएंगे। कृष्ण ने कहा है सुबह 4:30 बजे उठो, 4:30 बजे मंगल आरती आओ। मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं आऊं, इसका तो मैं कृष्ण पे निर्भर हो रहा हूं ना, क्योंकि उसने कहा है मैं करूं। तो जैसे भगवान ने आदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, वैसे जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब हमारा निर्भरता बढ़ रहा है। और अगर कोई कमाई कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा गाय, साधु, कृष्ण पे सेवा करना चाहिए। तो इससे भी निर्भरता बढ़ती है कि हमने पैसे को जमा किया है, पैसे पे निर्भर है हम, वो पैसा भगवान को दे रहे हैं हम, साधु को दे रहे हैं हम, गाय को दे रहे हैं हम, तो इसे भी निर्भरता बढ़ती है। गृहस्थ को थोड़ा पैसा रखना चाहिए अपने लिए और कुछ धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अब भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो
तो ऐसा करने से निर्भरता बढ़ता है। ठीक है, हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। क्या करना होगा? कर्म। माला करने से नहीं होगा? सिर्फ माला करने से तो फिर क्या चाहिए उसको? नहीं, क्यों करना है कर्म? क्यों करना है कर्म? जानकारी के लिए आप पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पैसे क्यों चाहिए? संसार में आज कैसे कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं? नहीं, क्यों आपके बच्चे को पैसा क्यों चाहिए? खाना खाने के लिए चाहिए ना, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए चाहिए ना। मैं दे दूंगा, भेज दो मेरे पास। मैं हट्टा कट्टा हूँ, 20 साल से नौकरी नहीं किया है मैंने। हाँ, तो उसको शिक्षा देना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण पालन करेगा। बच्चे को ब्रह्मचारी बनाना चाहिए। नहीं बनता है तो फिर गृहस्थ बनेगा, तो ईमानदारी से कमा के बीवी बच्चों को खिलाना चाहिए, लेकिन कृष्ण को बीच में रखकर। तो पैसे की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत है, और खाना फ्री में मिलता है। लेकिन हमारे कुछ ज़्यादा इच्छाएं होती है, इसके लिए हम कमाई करते हैं। तो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, दोनों के नियम अलग अलग हैं। तो गृहस्थ आश्रम में ईमानदारी से कमाकर जीना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। माता जी का बैकग्राउंड में कुछ था, बैकग्राउंड लेट आया था क्लास में। माता जी, क्या आप मुझे समझ नहीं आता, सीधा समझ में आया, पाचन और भक्ति दो विषय थे, शरीर का निर्वाह और भक्ति का। तो मुझे कमेंट है, प्रश्न नहीं है। एक्चुअली प्रभु जी ने तो पहले कहा था कि प्रभुपाद जी ने शिक्षण दिया है, तो प्रभुपाद जी ने जो शिक्षण दिया है वो बहुत स्पष्ट है कि 24 घंटा अगर कोई काम भी करता है तो कितने थोड़ा सेफ हो, तो 24 घंटा तो कंपनी को चलाएगा, फैक्ट्री चलाएगा वो, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जी ने बोला हमसे साथ, वो जब का समय है, बाकी मॉर्निंग प्रोग्राम का समय है, तो करने के बाद पर्याप्त समय है आदमी, अगर मंदिर ब्रह्मचारी है तो मंदिर की सेवा करता है। एक मिनट, दो बातें हैं शास्त्र में, एक कर्म त्याग, दूसरा कर्म फल त्याग। दोनों सही हैं अपने अपने स्तर पर। जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है वो कर्म त्याग करता है, कर्म नहीं करता, सिर्फ सेवा करता है, कृष्ण उसको एनीवे पालते हैं। जो कर्म त्याग नहीं कर सकता है वो कर्म फल त्याग करता है, कर्म करता है, उसका फल कृष्ण को देता है। तो जैसे सन्यासी है, वो कर्म त्याग करता है, वो कोई नौकरी नहीं करता, कर्म का त्याग करता है, सिर्फ भक्ति करता है। और गृहस्थ है जो नौकरी करता है, कर्म के फल का त्याग करता है। तो दोनों भगवद्गीता में बताया गया है, कर्म त्याग, कर्म फल त्याग। लेक्चर में जो मैं बात किया वो कर्म त्याग के बारे में बात किया। लेक्चर में हमेशा हाई बात करना चाहिए, जब हम अप्लाई करते हैं तो अपने स्तर पर अप्लाई करना चाहिए। तो कर्म त्याग नहीं कर सकते तो कर्म करो और कर्म के फल का त्याग करो, ताकि कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ सॉरी, बोलिए। यस श्री राम। जब
सर्विस तो बता दी कोई लोग मंदिर का सेवा में बिजी है एक दूसरा कैटेगरी जो है जो सेवा नहीं करते मतलब उनका भी सेवा है पर दे आर इंटरेस्टेड इन चाइल्ड सो द होल डेडिकेटेड टाइम द अदर पर्सन इज उसका इच्छा है चाइल्ड के लिए और इतना सेवा है कि वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाता है जब टाइम मिल जाता है सो इस दोनों से बेनिफिट मिलता है यार हाँ तो कम से कम 16 माला हरे को करना है नो ऑप्शन उसके अलावा किसी को इच्छा है और समय है तो ज़्यादा जप कर सकता है किसी को रुचि नहीं है 16 माला से ज़्यादा करने का कोई ज़बरदस्ती नहीं है 16 माला करके चुप बैठो सेवा करो रुचि नहीं है कोई बात नहीं रुचि है तो ज़्यादा करो इतना रुचि है कि सेवा नहीं करना है वो ठीक नहीं है क्योंकि सेवा भी करना चाहिए प्रभुपाद जी का सिस्टम है साधना सेवा दोनों करना चाहिए जैसे ट्रेन दो ट्रैक पे चलता है एक ट्रैक पे नहीं चलता है तो हमारा भक्ति का ट्रेन दो ट्रैक पे चलता है साधना और सेवा तो दोनों करना चाहिए और व्यक्ति कितना भी सेवा करे अगर उसको रुचि है तो टाइम निकल ही जाता है राइट 8 घंटा इस्कॉन में बिजी सब लोग नहीं रहते बहुत कम लोग रहते हैं तो टाइम निकल ही जाता है सो करना चाहिए अगर कोई जप नहीं करता है और सिर्फ सेवा करता है वो भी ठीक नहीं है वो सेवा इतना शुद्ध नहीं होता है तो 16 माला जप कम से कम सबके लिए कंपलसरी है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 16 माला से ज़्यादा रुचि है करना अच्छी बात है थर्ड पॉइंट अगर रुचि नहीं है ज़्यादा नहीं करता है कोई बात नहीं फोर्थ पॉइंट हर एक को सेवा करना चाहिए रुचि हो नहीं हो जप में रुचि हो या जप में रुचि नहीं हो सेवा करना चाहिए सेवा में रुचि हो या सेवा में रुचि नहीं हो सेवा करना चाहिए जब का मतलब क्या हे कृष्णा आप मुझे आपके सेवा में लगाओ और जब सेवा आती है तो मना कर देते हैं फिर दूसरे दिन सुबह हे कृष्णा मुझे सेवा में लगाओ कृष्णा बोलेगा कल तो सेवा में लगाया किया नहीं आज वापस बोल रहा है राइट हम अपने जप से कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते ये बात याद रखिए मेरे जप से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु की आज्ञा को तोड़कर जप करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे तो कृष्ण गुरु की आज्ञा से जीवन जीना चाहिए तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो गुरु की आज्ञा है 16 माला कम से कम करना और सेवा करना जो भी गुरु इस्कॉन में दीक्षा देते यही बोलते हैं चार नियम पालन करना 16 माला कम से कम करना और सेवा करना तो गुरु की आज्ञा तोड़कर मैं अगर ज़्यादा जप करूँ कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें गुरु की आज्ञा से जीवन जीना चाहिए तो उनकी आज्ञा है 16 माला करना सेवा करना चार नियम पालन करना तो वो हमें करना चाहिए तो कृष्ण प्रसन्न होंगे मेरा जप बहुत अच्छा है कृष्ण को मीठा मीठा लगता है उसके कान में ये कहाँ से फिलॉसफी आ गया कि मैं जब 100 माला करता हूँ तो कृष्ण को अच्छा लगता है ये कहाँ से आ गया हम कहाँ से कृष्ण को आनंद देंगे हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे ओके और कोई प्रश्न ठीक है धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण